हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तस्मोनी। शुरू करते हैं मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। आज मैं रिएक्ट करूंगी बेल बॉटम ये ऑफिशियल ट्रेलर के ऊपर। तो जानते हैं कि बेल बॉटम ये अपकमिंग हिंदी मूवी है अक्षय कुमार के। सो ये बेल बॉटम का ऑफिशियल ट्रेलर के ऊपर मैं रिएक्शन दूंगी। एंड ये ट्रेलर आज रिलीज हुआ है पूजा एंटरटेनमेंट ये चैनल से। एंड ये मूवी क्या बोलते हैं, एक रियल स्टोरी बेस करके क्या है। एंड ये एयरप्लेन हाईजैक का एक रियल स्टोरी है। एंड ये क्या बोलते हैं, रियल स्टोरी 1984 का है। तो जो अभी हो बेल बॉटम ये ट्रेलर को हम देखते हैं एंड बाद में ट्रेलर कैसा लगा तो भी जान सकोगे। सो गाइस लेट्स प्ले। हिंदुस्तान एक मुल्क नहीं, एक सोच है। और इस सोच को हराने के लिए दुश्मन हर पैतरा इस्तेमाल करना चाहता है। 1984, इंडिया। मैडम, हाईजैकर्स ने प्लेन अमृतसर में लैंड किया है। कॉल काउ, ये पिछले 5 साल में 7 हाईजैकिंग है। व्हाट हैव वी डन टू स्टॉप इट? एक इंसान है जो इस केस से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन दे सकता है। व्हाट इज हिज नेम? ओके, आई अंडरस्टैंड द प्रोटोकॉल। What is his code name? Bell Bottom. आ गया अक्षय कुमार। शादीशुदा, sharp memory, national level chess player, UPSC दिया है, गाना सिखाता है, हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच बोल और लिख लेता है। ये ले पहुंच। पिछवाड़े का वेलक्रो बन जाएगा। तो बताइए आपका एनालिसिस क्या कहता है? They are the mastermind behind this hijacking. While we wait for the Pakistani diplomats and intel officers, law operation की तैयारी करें। मैम, अब बचे हुए फ्यूल से ये लोग मिडीस्ट के 3 पॉसिबल डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं, दुबई, अबू धाबी एंड मस्कत। हमारे पास मौका है वो कर दिखाने का जो अब तक हुआ नहीं। क्या कर सकते? A covert operation. Your deadline is sunset. क्या सोचा? गेम ऑन। मैं एम्बेसी के काम से बाहर जा रहा हूँ। कहाँ? कोची। नो पॉज, नो हेजिटेशन। मतलब सच बोल रहे हो? या फिर झूठ बोलने में माहिर हो गया हूँ? आई लव यू। हमारी टीम रिफ्यूलिंग क्रू बनकर प्लेन के रिफ्यूलिंग डक पहुंच जाएगी। और अगर प्लान ए फेल हो गए, इज देयर अ प्लान बी? यस आर्मी। इंडियन आर्मी दुबई में या किसी भी फॉरेन सॉइल में इट कंसीडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। मिनिस्ट्री को हैंडल करने दीजिए। सर, चेस में डबल्स नहीं खेला जाता। हमारा मकसद है 210 हॉस्टेजेस को बचाना और टारगेट है 4 हाईजैकर्स। दुबई में एक सपोर्ट ग्रुप है जो हमारी मदद करेगी। कोई भी हरकत करने से पहले सोच लेना, गार्ड सिक्योरिटी हर जगह मौजूद है। याद रहे, हमारे पास सिर्फ 7 घंटे। अब हिंदुस्तान नहीं झुकेगा। हारते बहुत हैं यार ये लोग। इस बार उनकी हार। पर शायद ऐसा हो कि सबको लगे कि मिशन फेल हो गया। बस आप इतना याद रखना, इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। सो हमने देख लिया बेल बॉटम ट्रेलर। एंड ये ट्रेलर बहुत ही माइंड ब्लोइंग ट्रेलर है। एंड ये ट्रेलर देख कर मुझे लग रही कि ये बहुत ही क्या बोलते ब्लॉकबस्टर मूवी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अक्षय कुमार है। एंड अक्षय कुमार तो जब एक्शन मूवी करते हैं, थ्रिलर जैसा कुछ मूवी करते हैं, तो बहुत ही सुपर डुपर मूवी होते हैं। एंड साथ में परिणीता चोपड़ा है। परिणीता चोपड़ा मेरे जैसे एक ब्लैक कलर की एक क्या बोलते हैं बुरका पहना है एंड हिजाब भी बांधा है। आई थिंक वो दुबई से आया है ऐसा कुछ। एंड उसका मिशन क्या बोलते अक्षय कुमार के साथ मिशन पे है। एंड हाँ, प्लेन हाईजैक
जो जिस जिन लोगों ने किया है उसको क्या बोलते हैं उसकी प्लेन को बचाने के लिए, या जो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे है तो सबको बचाने के लिए हेल्प करते हैं। जो भी हो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा एंड साथ में जो भी एक्टिंग किया है अक्षय कुमार के साथ परिणीता चोपड़ा एंड साथ में बहुत बहुत एक्टर भी है यहाँ पे। तो ये रियल स्टोरी 84 का स्टोरी है एंड जो भी रियल स्टोरी बेस करके जो भी फिल्म बना था ना वो बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि बहुत ही रिस्क जाता है कि ये रियल स्टोरी कौन सी है एंड इस तरीके से इंडिया के कुछ रियल स्टोरी हम जान सके मूवी जब आ जाते हैं। तो जो भी बहुत ही अच्छा है एंड बहुत क्या बोलते हैं अभी बॉलीवुड में बहुत कुछ रियल स्टोरी बेस करके बहुत कुछ मूवी बना रहे हैं जैसे कि भूज एंड साथ में तो कुछ दिन पहले में एक क्या बोलते भोज एंड शेरशाह, तो ये दो मूवी भी रियल स्टोरी बेस करके हो रहे हैं। तो साथ में बेल बॉटम भी रियल स्टोरी बेस करके हो रहे हैं तो मुझे बहुत पसंद आया एंड देखना वक्त कि कौन सी मूवी कितना ब्लॉकबस्टर एंड बस्टर होगा कितना हिट होगा मूवी जब रिलीज हुआ तब पता लगेगा। और यहाँ पे अक्षय कुमार का गेटअप जो लिया है सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड यहाँ पे बहुत कुछ एक्शन सीन भी देखा है एंड साथ में क्या बोलते ओवरऑल बहुत ही अच्छा लगा है। जो BGM एक सुना है ना ताना नाना ऐसे करके कुछ BGM बजा है तो बहुत ही अच्छा लगा। तो ये बेल बॉटम मूवी ऑल सिनेमा में क्या बोलते सिनेमा हॉल पे रिलीज होगा वर्ल्ड वाइड, सो देखना होगा एंड मुझे लगता है कि बहुत दिन से 3 के बाद अभी तो कोरोना का टाइम है तो बहुत दिन के बाद ये फर्स्ट मूवी जो है बेल बॉटम सिनेमा हॉल में आ जाएगा। सो हम सब लोग एक्साइटेड है देखना है बेल बॉटम को। तो ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। सो उम्मीद करते कि सब सिनेमा हॉल पे जाओगे क्या बोलते हैं PPE मेंटेन करके सिनेमा हॉल पे जाओगे बेल बॉटम देखने के लिए और अक्षय कुमार का एक्टिंग कैसा लगा तभी पता लगेगा। तो ये उम्मीद करते कि सब सिनेमा हॉल पे जाओ मूवी देखो PPE यूज करके। सो ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो बेल बॉटम का। तो ये मूवी मैंने तो भूल गई ये मूवी रिलीज होगा सिनेमा हॉल पे वर्ल्ड वाइड पे 19 अगस्त में। सो देखना बाकी है मूवी किस तरीके से बहुत धमाका होगा कि नहीं। सो ये तो मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी रिएक्शन वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना। सो आज मैं चली जाती फिर मिलेंगी नया एक वीडियो के साथ। सो तब के लिए बाय बाय टेक केयर। Peace.